मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। एक नए से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रोलर कृष्णा में। आज सुबह 4:30 बजे उठा हूं, नींद आ नहीं रही थी तो सोचा कि चलो आज निकलते हैं बाहर ही घूमते हैं। तो अभी सुबह मैं निकला हूं बाहर घूमने के लिए। दुकानें वगैरह अभी सारी बंद पड़ी हैं। ये सिविल लाइन चौराहा है रायबरेली का, यहाँ से आपको प्रतापगढ़ इलाहाबाद के लिए बस मिल जाती है और ये सीधा रोड गई है घंटाघर ओवर ब्रिज। सुबह घूमने निकलो लेकिन एक बार बहुत मज़ा आता है। और यहाँ एक छोटी दुकान लगी है चाय, कुछ इस तरह से है सुबह का माहौल। हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा है। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत है। लगभग 5:30 बज रहे हैं और मैं निकला था घर से 4:30 बजे निकला था। आज बहुत दिन बाद निकला सुबह, अभी तो सारी दुकानें भी बंद पड़ी हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है व्यू। तो मैं इतनी समय हूँ सिविल लाइन में और ऐसे ही निकल गया, नींद खुल गई थी आज लगभग 4 बजे के करीब में, उसके बाद से सोया नहीं। फिर ये हुआ चलो बाहर घूमते हैं आज, वैसे एक वीडियो भी शूट कर लेंगे। अभी तो सारी दुकानें वगैरह फ़िलहाल बंद पड़ी हैं, लगभग वही 7 बजे तक खुल जाती होंगी चाय वाय की दुकान। तो मैं 7 बजे तक तो भी बाहर ही हूँ, 7 बजे तक घर पहुँचूँगा। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक ठाक है, मस्त है। इतने समय माय फर्स्ट ब्लॉग बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो जिसको अपना नया यूट्यूब चैनल बनाना है, वो अपना ब्लॉग से संबंधित खास करके, वो अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकता है। माय फर्स्ट ब्लॉग एक बढ़िया शूट कर लीजिए, शूट करने के बाद उसको एडिट कर लीजिए, एडिट करने के बाद अच्छे से टैग वगैरह लगा के उसको पोस्ट कर दीजिए। वायरल भी हो रहे हैं बहुत सारे वीडियो, मतलब 6-7 महीने में एक बार माय फर्स्ट ब्लॉग का ट्रेंड आता है। तो इसमें ट्रेंड आया हुआ है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग से संबंधित। और यही है, हमने तो स्टार्ट किया था लेकिन हमारा कुछ हो नहीं पाया था, तो आप लोग स्टार्ट करिए, शायद आप लोगों का कुछ हो जाए। हो सकता है क्योंकि मैंने देखा था YouTube पर सर्च करके माय फर्स्ट ब्लॉग, काफ़ी लोगों का वायरल हुआ है बहुत। माय फर्स्ट ब्लॉग मतलब पहला ही ब्लॉग वायरल हो जा रहा है, तो अच्छे से आप उसको टैग कीवर्ड वगैरह लगाएंगे तो वायरल होने का चांस रहेगा, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ये सब सारी दुकानें बनी हुई हैं, ये अभी लगभग 10 बजे तक खुल जाती हैं, तो मार्केट बन जाता है ये पूरी तरह से। काफ़ी अच्छा लगता है, शानदार लगता है, क्योंकि इधर मैं कुछ ज़्यादा ही आता जाता रहता हूँ, मेरी ऑफिस ही इधर ही है। ये सामने का नज़ारा है, ये रोड सीधा लखनऊ गई हुई है। अगर ये आप सीधे इस रोड से जा रहे हैं तो आप लखनऊ जाएँगे, और इस साइड अगर आप जा रहे हैं तो इलाहाबाद ये गई हुई है, जो कि हमारा घर भी है वहीं पे। तो ये इलाहाबाद गई है सीधा, और इधर आप जाओगे तो लखनऊ जाओगे, और ये बीच में इलाहाबाद लखनऊ के बीच में बसा हुआ शहर रायबरेली है। खूबसूरत शहर है, बढ़िया शहर है, और मैं यहीं पर रहता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखता है अपना रायबरेली, फ़िलहाल खूबसूरत लग रहा है। सुबह का टाइम है तो इतना क्लियर आ नहीं रहा है क्योंकि अभी भी अंधेरा अंधेरा सा है। और ये रेलवे ट्रैक जो दिख रहा है, ये रेलवे स्टेशन गया हुआ, थोड़ी ही दूर है बस, और मैं ओवर ब्रिज के ऊपर हूँ। मतलब बड़ा तो नहीं है शहर उतना, लेकिन जितने में भी है खूबसूरत है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं लगभग। यहाँ पे पियेंगे चाय। दादाजी चाय बना रहे हैं क्या? एक चाय दे दीजिए, दादाजी बना रहे हैं चाय। चाचा तो चाय, दादाजी बहुत बढ़िया लग रही दिखने में, बहुत शानदार चाय है। दादाजी के हाथ से आज पियेंगे यहाँ पर चाय, दादाजी हैं।
इनकी ये दुकान। दादाजी के हाथ देंगे चाय। दादाजी एक बढ़िया चाय दे दीजिए, चाहे पैसे ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह चाय दादाजी मज़ा आ जाती है ना दादाजी, गजब की। दादाजी अकेले रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, दुकान हमको आज पहली बार जैसे दिख रही है। लगाते हैं, इनकी दिखती थी, इधर से हम आते जाते रहते हैं ना अक्सर। 15 साल से लगा रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है दादाजी, आप मेहनत कर रहे हैं उम्र में, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं दादाजी? 15 साल से दादाजी चाय बना रहे हैं, यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं 15 साल से, है ना चाचा जी? चलिए दादाजी घास से आज चाय पीते हैं। ये मेरी दूसरी चाय दादाजी के यहाँ से, दादाजी की चाय लेकिन बहुत प्यारी चाय है। दादाजी कह रहे हैं चाय पी के देखिए, उसके बाद बात मानिए। सही बात है चाचा जी, लग रहा है आप लोगों की। चाय लाजवाब है चाचा जी, आप चाय पी के देखिए, मस्त चाय है भाई लोग, मस्त चाय, बढ़िया चाय। धन्यवाद चाचा जी आपका एक अच्छी चाय पिलाने के लिए। तो मिलेंगे सभी को एक नए वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए सभी को बाय। चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा भाई लोग।